Hi guys, good morning. I am Dilip Chaudhary and you are watching my channel Secure Academy. Today we are going to discuss about the KBS interview. That how you can give your interview in your KBS exams. Okay, so how you can demotivate teaching, this will discuss about very easily. Okay, so हमें क्या करना है KBS की आपकी डेमोटेचिंग किस तरह से करते हैं उसका बहुत अच्छी तरीके से बहुत विधिवत तरीके से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हम किस तरह से अपने आप को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझने वाला है। ओके, चलिए अब पॉइंट पर चलते हैं। सपोज हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो क्या होता है, किस तरह से हम डेमो टीचिंग करते हैं उसे समझते हैं। ओके, मान लो आप किसी क्लास में गए, आपको मैथ की टीचिंग करनी है, आपको प्लेस वैल्यू की टीचिंग करनी है, लेकिन बच्चे को पहले नहीं बताना कि हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। ओके, किस तरह से करना उसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे हम क्लास में आते हैं फिर क्या करना हमें, हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग, बढ़िया हो, हाँ जी, आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों आज डेट क्या है, क्या है, कौन सी डेट है। ओके, 10 तारीख, क्या है, 10 अप्रैल 2023। डे कौन सा है बच्चों, मंडे, कौन सा डे है, मंडे। ओके, कौन सी क्लास में हैं आप लोग, किस क्लास में हैं, 4। ओके, 4, आप 4th क्लास में हैं। ओके, पीरियड कौन सा है अपना, तीसरा, कौन सा पीरियड, तीसरा। ओके, कितने विद्यार्थी आप लोग प्रेजेंट हो, 27। टोटल अपने आपके क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट 30। ओके, एब्सेंट कितने हैं, 3। ओके, ओके, तो आज हमें बच्चों क्या पढ़ना है, टॉपिक हमारा क्या है, सब्जेक्ट मैथ, मैथ पढ़ना है। ओके, आप लोग क्या पढ़ोगे आज, अच्छा आप लोग का पढ़ने का मन नहीं है, ओके कोई बात नहीं है, आइए हम कहानी सुनते हैं आपको, एक कहानी सुनाते हैं। ओके, चार मित्र थे, चारों लोग रास्ते से जा रहे थे, लेकिन जब वो जंगल में पहुंचे तो रास्ता भूल गए। अब उन्हें घर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में उन्हें जंगल में रुकना पड़ा। अब जंगल में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, इसके लिए बहुत टेंशन हुई उनको। ओके, उन्होंने सोचा, एक आइडिया उन्हें उनके विचार में कि हम एक घर बनाते हैं अपना अपना, और उन घर में हम क्या करेंगे, हम लोग उसमें रहेंगे। ओके, मोगली की तरह, कैसे, मोगली की तरह, जैसे मोगली रहता था। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, तो उन लोगों के लिए क्या हुआ, एक उन्होंने अपना अपना एक एक घर बनाया, किस तरह से, इस तरह से, आइए समझते हैं। उन लोगों ने क्या किया, घर बनाया अपना अपना। ओके, इस तरह से उन्होंने अपना घर बनाया। ओके, कितने लोग थे, 4, एक। ओके, इस तरह से। ओके, तो पहले वाले घर में कौन रहेगा, 1, दूसरे में 10, तीसरे में 100, चौथे में 1000। ओके, कितने, 1 पहले का घर है, जिसका नाम, पहले घर वाले घर का नाम क्या है, पहले व्यक्ति का 1, जो दूसरा व्यक्ति है उसके घर का नाम क्या है, 10, जो तीसरा व्यक्ति है उसके घर का नाम क्या है, 100, जो चौथा व्यक्ति है उसके घर का नाम क्या है, 1000। ओके, अब मान लो किसी दिन इसके घर में एक मेहमान पहुंच गए, और मेहमान का नाम क्या था, 7, उसके साथ में मान लो उसका बेटा था, क्या नाम था, 8। अब इसको कहाँ पर लिखोगे, ठीक, उसके साथ में 2 लोग और आ गए, 6 और 5, इतने लोग आ गए। अब हमें क्या कहना, इसको किसके घर में रखना है, पहले वाले के घर में शिफ्ट करना है, किसके घर में, पहले वाले के, कौन सा, क्या हो जाएगा, 5। अब 6 को किस में करना है, 10 वाले के घर में, क्यों, क्योंकि दो इसमें आपस में रहेंगे, झगड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, 6 रखना है। इसी तरह 8 वाले को किसको रखोगे, 100 वाले के घर में रख दो, किसके, 800 वाले को, और 7 को किसके घर में रख देते हैं, 1000 वाले के घर में रख देते हैं।
ओके। तो इस तरह से जब हम इसको एक घर में रख देंगे, किसके स्थान पर है, वन के स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पाँच वन के स्थान पर गुणे कितना करेंगे मल्टीपल एक करेंगे, फाइव बन जा फाइव, ओके। और यहाँ पे छः किसने स्थान पर है, दसवें स्थान पर है, तो दसवें का किस पे करेंगे सिक्स, किससे गुणा करेंगे दस से, सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन इज इक्वल टू सिक्सटी, ओके। फिर इसी तरह हम आठ को लेंगे, आठ किस स्थान पर है, हंड्रेड सौवें स्थान पे है, तो आठ को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किससे करेंगे हंड्रेड, ओके सही बोल रहे हो, बराबर कितना हो जाएगा एट हंड्रेड, ओके। इस तरह सात आया, सात किसके स्थान पर है थाउजेंड के, तो हम गुणा किससे करेंगे थाउजेंड से, ओके। तो यहाँ पे सेवन मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड इज इक्वल सेवन थाउजेंड, ओके। तो फाइव किसके स्थान पर, वन के स्थान पे था, किसका किया हमने पाँच से, एक का गुणा किया कितना हुआ पाँच, ओके। इसलिए छः किसके स्थान पर, दसवें स्थान पे था, इसलिए छः गुणा हमने दस किया कितना हुआ साठ। इस तरह आठ किसके स्थान पर, हंड्रेड के स्थान पर था, इसलिए आठ से गुणा किया सौ से कितना हुआ, सात से किसके स्थान पर थाउजेंड, तो सात से गुणा किया थाउजेंड कितना हुआ सात हज़ार। तो इस तरह बच्चों हमने क्या सीखा, ये क्या क्या टॉपिक है, क्या प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, टॉपिक क्या है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ओके। तो बच्चों आज हमने कहानी कहानी में क्या सीखा, स्थानीय मान, ओके। कोई डाउट किसी को नहीं, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है नहीं, ओके। तो आज की वीडियो में क्या सीखा, स्थानीय मान, ओके ओके गाइस। तो इस तरह से आपको टीचिंग करनी है, डेमो टीचिंग बहुत आसानी से, बहुत इजी है यार, इट्स नॉट सो टफ दैट यू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इजी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ए लिटिल थिंग, चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपको प्रेजेंट करना है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।